हाय फ्रेंड्स, एकलव्य कॉमर्स सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। इसका यूज या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ग्रेजुएशन में, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां भी ये चैप्टर मिलेगा, और 12 में भी, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड और जैक सभी में आते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा, मतलब नंबर यहाँ से आप बहुत अच्छा ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि कंपनी क्या होता है, क्योंकि इसका यूज कंपनी के लिए ही होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अ कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ। ये मार्शल के द्वारा लिखा गया है, मार्शल के द्वारा बताया गया है, जिसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका जो अस्तित्व होता है वो लॉ के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में पूरा बात करेंगे कि कंपनी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार। तो कंपनी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंपनी को दो अलग अलग बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के आधार पे, दायित्व के आधार पे। नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब जनता की भागीदारी के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। इसमें तीन तरह की कंपनी आती है, ठीक है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, नंबर वन। नंबर टू, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नंबर थ्री, अनलिमिटेड कंपनी, या अनलिमिटेड कंपनी, या फिर उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं असीमित कंपनी, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ, आप देख लीजिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित कंपनी। उसी तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पे जो कंपनी होती है, उसमें नंबर वन है प्राइवेट कंपनी, नंबर टू पब्लिक कंपनी एंड नंबर थ्री वन पर्सन कंपनी, ठीक है। दोस्तों, अब हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये होता क्या है। इन कंपनियों में जो इस कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका दायित्व जो है पार्षद सीमा नियम के अनुसार जो राशि निर्धारित की जाती है, उतना निर्धारित राशि तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। जैसे ये अपने जीवन काल में अगर अपने शेयर पे पूरा पैसा चुका चुके हैं, तो इनसे फिर भविष्य में कभी भी कोई पैसा मांगा नहीं जा सकता है। और अगर इन्होंने आंशिक तौर पे पेमेंट किया है या पूरा पूरा पैसा शेयर पे अपना नहीं दिया है, तो इनसे समापन के समय या बीच में कभी जरूरत पड़ने पे पैसा मांगा जा सकता है। तो ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नंबर टू, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनियों में सदस्यों का जो दायित्व होता है पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत निर्धारित राशि तक सीमित होती है। ऐसी कंपनी में जब कंपनी का समापन होता है, तब जो सदस्यों के द्वारा चुकाई जाने वाली राशि सीमित की जाती है, वही उनका निर्धारित राशि होता है, ठीक है। ऐसी कंपनी का जो स्थापना होता है वो लाभोपार्जन के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। ऐसी कंपनियां विज्ञान, कला या वाणिज्य, इस तरह के क्षेत्र में, अपना मतलब कलाकृति के क्षेत्र में बनाई जाती है, और इस तरह की कंपनी का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि कल्याण कार्य के लिए होता है। नंबर थ्री, अनलिमिटेड कंपनी, असीमित कंपनी। नाम से ही पता चलता है कि इसमें असीमित है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कोई भी सीमित, लिमिटेड, मतलब उनका दायित्व नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। ऐसी कंपनियां कह सकते हैं जस्ट लाइक पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी में जैसे सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है वो सीमित नहीं होती है, बिल्कुल वही यहाँ पर भी है। अनलिमिटेड कंपनी में सदस्यों का जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के होती है, ठीक है। ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के होती है, मतलब इसमें अंश पूंजी नहीं होता है, शेयर नहीं होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कंपनी जो होती है उसके बारे में, जनता की भागीदा के आधार पे जो कंपनियां होती हैं उनके बारे में। इसमें हमने तीन देखा था, नंबर वन प्राइवेट कंपनी,
निजी कंपनी। एक निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी प्रगत पूंजी 1,00,000 रुपए या अधिनियम द्वारा निर्धारित इससे अधिक रुपए तक हो सकती है। ऐसी कंपनी अपने अंतरनियमों द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगा सकती है, कर्मचारियों को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित कर सकती है, कंपनी के किन्हीं प्रतिभूतियों के इश्यू पर रोक लगा सकती है। दोस्तों नंबर 2 है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी कहने का मतलब होता है वैसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, निजी कंपनी नहीं है, वो सारी सार्वजनिक कंपनी होती है। इनका मतलब अंशों का जो प्रदत्त पूंजी होता है वो नॉमिनल कैपिटल जो होता है वो 5,00,000 रुपया तक या फिर अधिनियम के द्वारा जो राशि निर्धारित की जाती है उतना होता है। ऐसी कंपनियों में, सार्वजनिक कंपनियों में शेयर का हस्तांतरण से कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी को हस्तांतरित कर सकता है, इस पे कोई भी बंदिश नहीं है। ऐसी कंपनियां बेसिकली इनका ना कि सदस्यों का संख्या पे भी कोई रोक नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है, न्यूनतम 7 होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं। नंबर 3 वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी कहने का मतलब होता है कि जिसके सदस्य सिर्फ एक होते हैं, सारा मालिकाना हक उनके पास होता है। ये जस्ट लाइक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ एक होती है और वही उसका प्रोप्राइटर मालिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सबके बारे में देखा। अब इसके बारे में डिटेल से और जानने के लिए आप आने वाले वीडियो में जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, और इसके बारे में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोग इसके बाद सोल्व करेंगे और देखेंगे कि शेयर को कैसे हम लोग बनाते हैं, शेयर के लिए क्या कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, जर्नलाइजिंग कैसे होता है, सब कुछ और भी इसका डिटेल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि प्रोत्साहित होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ ताकि आपको और फायदा हो सके। धन्यवाद।